भीख में हमें दाना नहीं चाहिए, हमारे अंदर बाजू में दम है कि हम भोजन कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है। अन्ना जी के एक अन्ना जी ने प्लेटफॉर्म दिया, उसका इसने गलत उपयोग करके इसने अपना मुद्दा बना के सत्ता में आ गया। बाकी कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा चला है। उन्होंने जो लोकपाल वाली वो कहाँ गए इनके मुद्दे भैया? एक डेढ़ साल बाद मोदी जी ये जो अपना कश्मीर का टुकड़ा जो छीना गया हमसे, वो 2024 के इलेक्शन के पहले भारत के साथ जुड़ेगा। ये मोदी जी करके दिखाएंगे। मोदी जी जब तक जीवित है तब तक देश के प्रधान सेवक बन के रहेंगे। मोदी जी के हम साथ हैं। मोदी मोदी भगवंत मान जी, इनको पता नहीं चलता मैं कहाँ हूँ। 50 साल की उम्र में बेवड़ा शादी करता है वो। अरविंद केजरीवाल जी तो चुप चुप के पीते हैं, वो सामने पीते हैं। उन्होंने गरीबों की मदद की है फ्री में। कैसे किया? कैसे किया? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री की। अच्छा। और जो एक पीता था उसको दो पीनी शुरू कर दी। जब तक सूरज चांद रहेगा योगी बाबा नाम रहेगा। 400 रुपए का सिलेंडर 70 सालों से चल रहा था, तो मतलब 200 से 300 आया, 300 से 350 पे गया। अब 1 साल के अंदर या 8 साल के अंदर 1050 का होगा, तरक्की हो रही देश की। 65 रुपए का पेट्रोल, 110 का पीरा, तरक्की होगी देश की। घर में खाने के लिए कम है लेकिन कर्जा नहीं है। आरोप लगाते हैं बीजेपी पार्टी पर कि कुछ नहीं कर रही है, कोई बेरोजगारी मतलब रोजगार नहीं दिया है, महंगाई बढ़ा दी है। तो आम आदमी पार्टी लग रहा है आपको कि बीजेपी को टक्कर दे पाएगी इन सारी बातों को कहने के बाद? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ फ्री के प्रोपोगंडे दे के दिल्ली की पब्लिक को मूर्ख बना के फ्री के लालच में लोगों को लिया है। हाँ। बाकी जो राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्तर पर जो मोदी सरकार ने काम किया है, भाजपा सरकार ने काम किया है, कांग्रेस सरकार 70 सालों तक राज किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की मूर्तियों के अलावा और अपने नाम के अलावा कोई भी योजना कोई भी स्कीम नहीं लाई। लेकिन वास्तव में किसी शहीद को किसी क्रांतिकारी को, जैसे ये मूर्ति है, ये 70 साल पहले क्यों नहीं लगी थी, अब क्यों नहीं लगी? क्या मोदी अपने पिता की मूर्ति नहीं लगा सकता? क्यों अपने भाइयों की यहाँ नहीं ला सकता? मोदी का मुकाबला केजरीवाल जी कहीं नहीं है। ठीक है, फ्री के लालच दे के जनता को बेवकूफ बना के बैठे हैं, लोगों को थोड़ी समस्या है, साधन संपन्न कम है, इसलिए लालच में आकर केजरीवाल जी आ गए। ठीक है सर, आप यही रहेगा। अभी आप कह रहे थे केजरीवाल जी ने जो है बड़ा विकास किया, आपके सामने ही सर हैं जो कह रहे हैं केजरीवाल जी फ्री की जुमलेबाजी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं फ्री जब दे रहे हैं तो अब पब्लिक को बहुत सारी फायदे भी पहुंच रहे हैं, अच्छी बात नहीं है? फ्री की चीजों से फायदा पहुंच रहा है पब्लिक? जी हाँ, जैसे कि क्या फायदा पहुंच रहा है? वो जो भी अपने जो सेविंग कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से उनको फायदा हो रही है, स्कूल में जो फीसेस वगैरह जो लग रहे हैं वो उससे तो सर पहले भी नहीं लगते थे। अभी क्यों नहीं लगते हैं, अभी बहुत सारे स्कूलों में। हाँ, तो फिर तो ये केजरीवाल सरकार की गलती हुई कि अगर फ्री के नाम पर अगर फीस अभी भी लग रही है तो फ्री दिए हैं तो उससे क्या हो रहा है, फायदे हो रही है ना पब्लिक को। तो श्रीलंका में भी बड़ा फ्री किया था, क्या हाल हुआ? तो वही मैं भी बता रहा हूँ, श्रीलंका में बहुत कुछ हुआ है। हाँ। तो आप उसके जिम्मेदार किसको ठहराना चाहते, किसी जिसने फ्री दिया, जिसने फ्री दिया? जी नहीं, आप देखो पहले क्या हो रहा है। जी, 400 रुपए का सिलेंडर? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं 50 का बिकेगा देश का तरक्की हो जाएगा। 400 रुपए का सिलेंडर 70 सालों से चल रहा था, तो मतलब 200 से 300 आया, 300 से 350 पे गया। अब 1 साल के अंदर या 8 साल के अंदर 1050 का होगा, तरक्की हो रही देश की। 65 रुपए का पेट्रोल, 110 का पीरा, तरक्की होगी देश की। आप ये कहना चाह रहे हो ना? मैं सिर्फ एक सवाल, ऐसा तरक्की आम आदमी हर आदमी को चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, 8 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, अभी जनसंख्या कितनी है, कितना चेंज? करेक्ट नहीं, आप मुझे बताइए ना, करेक्ट डाटा आप लोग के पास होगा ना, जो आप लोग बैठे हो न्यूज में, आपको पता होगा कितनी हो गई। हाँ। इतना तो आम आदमी को नहीं पता, किसी को ये नहीं पता अपने मोहल्ले की जनसंख्या कितनी है। हाँ। आपको पूरे देश का पूछ रहे हो। हाँ। उन आदमी से पूछ रहे हो रोज कमाने खाने वाले। हाँ। मैं 15,000 रुपए महीना कमाता हूँ, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मैं स्कूल में सही से नहीं पढ़ा पाता, स्कूल पढ़ाता हूँ ट्यूशन नहीं पढ़ा पाता, पता क्यों? जो 400 का सिलेंडर था वो 1050 का ला रहा हूँ, स्कूटी में तेल नहीं है, घर पे खड़ी रहती, बस से चला जाता हूँ। तो ये चीजें अगर आप कह रहे हो देश का विकास है, तरक्की, तो ठीक है, अगर सब कुछ चाहिए तो हम भी तो उसी में है। अगर सब कुछ चाहिए तो हम भी उसमें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता जब पढ़े ही नहीं करेगी, जब अपना खुद का रोजगार नहीं साबित करेगी तो फ्री में मुफ्त में कहाँ तक खाएगी? ऐसा है, फ्री में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। ठीक है, हाँ, अगर फ्री का देना सिखा दिया तो आप और उल्टे विकलांग बन रहे हो, न कि शिक्षित बन के कुछ रोजगार पा सकोगे। ठीक है, हाँ, आप सरकार में किस लिए आए थे? जीडीपी सही करने के लिए आए थे? आप सरकार में क्यों आए थे? महंगाई कम करने के लिए आए थे? डॉलर को बराबर करने के लिए आए थे या ऊपर करने के लिए आए थे? किस लिए आए थे? आपको तो याद होगा ना, किस लिए आए थे आप बता दो। हमारी जो गवर्नमेंट आई है वो सरकार में किस लिए आई थी? हम सिलेंडर के रेट को कम करेंगे, याद होगा स्मृति ईरानी का वो आप सिलेंडर वाला डांस, याद है कि नहीं है? याद है ना? तो आपको 300 करना था या 1050 करना था, क्या करना था? क्या तो करना? मैंने आपसे क्या पूछा, पहले की जनसंख्या कितनी थी, आपकी कितनी थी, मुझे आप डाटा बताइए। वही वाली, ये तो आप बताओगे ना कि 8 सालों में कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि 1050 3 गुना रेट बढ़ जाएगा,
अगर एक परिवार में 15-15 लोग होंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या सर? मैडम अब छोटा बच्चा है वो आधे रोटी खाएगा और जब बड़ा होगा तो उसको 2 रोटी चाहिएगा, 5 रोटी चाहिएगा, ठीक है। अब संसाधन तो वही है, गैस तो वहीं से आ रही है, जो जितना निकल सकता वही है, अब ईंधन खनिज है तो वही ना, ठीक है। तो अब जब नीड बढ़ेगी तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ाना जरूरी है ताकि लोग उसका थोड़ा कन्वेंशन भी लिमिट से करे, ठीक है। अब सरकार ने कमाई भी तो बढ़ानी जरूरी है, नौकरी भी देना जरूरी है, या नौकरी नहीं देनी जरूरी है? नौकरी एक साल में प्राइवेट नौकरी भी बड़ी निकलती है जी, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अच्छा, आपके अनुसार, एक सवाल, आपके अनुसार रोजगार किसको कहते हैं? जो लोगों को काम मिले, घर से निकलने वाला बंदा 15,000-20,000 कमा के लाके अपने परिवार को बना। आज हमारे 10,000 कमाने वाला रोजगार नहीं होता। नहीं, 10 वाला भी क्या कर लेगा? आप बताओ, अगर 10 वाले के घर में 4 आदमी कमा के खा लेगा, आप बताओ इतनी महंगाई। ये 4 लोग हुए कैसे, ये बताइए? तो 4 लोग होते नहीं क्या? मान लो मैं हूँ, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं मेरे, कहाँ से लाऊंगा उनको, कहाँ से खिलाऊंगा 10,000 रुपए में? आप ये बता दो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई एक पार्टी ने मिलकर 8 सालों में खूब बढ़ा दी। आप, मैं नहीं कह रहा, ये सब कह रहे हैं, आपको नहीं पता। ये तो भैया नहीं कह रहे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम तो ऐसा लग रहा है, हमें तो इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी जी ने सम्मान दिलवाया है, जो मान भाई साहब भारतीयों को जहाँ पे हीन भावना से देखा जाता था, अमेरिका जैसे देशों में कपड़े नंगे करके बड़े बड़े सेलिब्रिटी को चेक किया जाता था, आज वहाँ पे रूस जैसे देश अगर यूक्रेन पे हमला करते हैं, इंडियन फ्लैग के साथ वो सम्मान से विदा होते हैं, दूसरे देश के लोग उस फ्लैग को लगा के वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं, इससे बड़ा बल कि आप क्या चाहते हो? भीख में हमें दाना नहीं चाहिए, हमारे अंदर बाजू में दम है कि हम भोजन कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है। सरकार ने गेहूँ दे दिए फ्री में, आवास दे दिए, कमले बांट दी, अब कटोरा देना बाकी है, जो मांग के खा ले, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। 4 लोगों को जीने के लिए 2 वक्त का भोजन चाहिए, वो सब में सबके अंदर सामर्थ्य है कमाने का, अब हमारी आवश्यकता बढ़ गई है, घर के अंदर ऐसी चाहिए, फला फला सिस्टम चाहिए, वो कह रहे हैं जी, जी। मुझे लगता है बीजेपी नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है, बीजेपी नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, बराबर है। हम अभी ये कह रहे थे कि बीजेपी ने तो देखिए महंगाई बड़ी बढ़ा दी है, पहले 400 की सिलेंडर थी। मैं आपको बात बोलती हूँ, जैसे कि दूसरे देश हैं और हमारा देश है, हमारे देश में कितना पैसा है फॉरेक्स, और उसकी तुलना में हमारे पर कितना कर्ज है। इन सबसे नीचे जो है ना वो इंडिया का नाम है, मतलब यूएस पे भी ज्यादा कर्जा है, यूके पे भी बहुत ज्यादा कर्जा है, श्रीलंका थोड़ा डूबा हुआ है, तो उनकी तुलना में हमने हमारा बहुत सारा कर्जा माफ कर दिया है। तो घर में खाने के लिए कम है लेकिन कर्जा नहीं है, नहीं है या। इसके लिए सिलेंडर महंगे है, हाँ नहीं, इसी के लिए महंगाई बढ़ रही, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई बड़ी और चीज है नहीं। तो ये हमको, हाँ, तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमको ये हमेशा टिका के रखना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा तो भले ही एसी नहीं रहेगा लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, नहीं गिरना चाहिए। एग्जैक्टली मैम, आप एक महिला हैं, कहते हैं कि केजरीवाल जी ने जो है बसेस फ्री करा दी हैं महिलाओं के लिए, उसके बाद भी आप मोदी जी को चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना पास का पैसा भर सकती हूँ, अगर मैं काम पे सुरक्षित जाऊंगी तो मुझे पगार मिलेगी। हाँ। वो सुरक्षा दे सकते हैं क्या कोई और बीजेपी के अलावा? हाँ, बीजेपी के साथ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर, महिलाएं भी बीजेपी के साथ जी। बच्चे क्या कह रहे हैं? बोलते मोदी मामा बोलते हैं बचपन से, मोदी मामा बोलते हो? एक बार बोलते मोदी मामा को वजन कर रहे हो? हाँ। कितना वजन कर रहे हो? बहुत। सर क्या नाम है? गोपी चौधरी। ये बताइए चौधरी साहब कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए। क्या लग रहा है, कौन आएगा प्रधानमंत्री के दावेदार? आगे तो मोदी जी आएगा फिर एक बार और। अरे आप राजस्थान से हैं, कांग्रेस का डंका बज रहा है राजस्थान में, अब की बार बीजेपी आएगी राजस्थान में भी। लुट फुट के गिरती बजती सरकार चल रही है, जैसे तैसे सरकार चल रही है, वहाँ वसुंधरा की कुछ कमियों के कारण, पिछली सरकारी कमियों के कारण हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें गहलोत सरकार को हमने नहीं दिया फिर भी, लेकिन किसी लोगों को सपोर्ट करना पड़ा, सरकार बन गई। 3 बार ये लोग ये आंदोलन कर चुके अपनी पार्टी के खिलाफ। हाँ। सचिन पायलट जी ये मरते मरते बच रहे हैं, कोई वो ये ऐसा खास ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी है नहीं, वसुंधरा नहीं होती तो पक्का बीजेपी आती, और उसी से कोई भी उसकी कोई कारण से बीजेपी नहीं आई पिछली बार। हाँ। अभी बार नेक्स्ट बार बिल्कुल बीजेपी आएगी, मोदी सरकार रहेगी राजस्थान में, क्या हर जगह मोदी सरकार। हमें मतलब नहीं है फ्री से। हाँ। अब फ्री मुझे 5 रुपए मिलेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं वही पैसे टैक्स के मार्ग से मुझे वापस सरकार देने, सरकार की पैदा थोड़ी कर रही है पैसे, ना कोई उसके पास है कि वो बस जैसे जैसे पैसे छाप सकती है। हाँ। सीमित संसाधनों में पैसे बनते हैं, मुझे ये फ्री वरी का ढांचा नहीं चाहिए। हाँ। कमा के खाएंगे, हमें गर्व से जीना है, सिखाया मोदी जी ने, कश्मीर जो हमारा हिस्सा होके भी हम उस पर हक नहीं जता सकते थे, 370 को वहाँ पे एक मक्खी तक नहीं हिलने दी कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जी जी जी, लोग कहते थे खून की नदियाँ बहेंगी और वहाँ पर एक मच्छर भी नहीं मरा। धारा 370 को ऐसे ही हटा दिया जैसे
वहाँ पर एक मच्छर भी नहीं मरा। अच्छा आप तो टीका लगा कर आए हैं, कहाँ से आए सबसे पहले ये बताइए और अपना नाम। मैं आदेश भदौरिया। अरे भदौरिया साहब बाबा के शहर से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब जब तक सूरज चांद रहेगा योगी बाबा नाम रहेगा। योगी बाबा नाम तो रहेगा लेकिन आम आदमी देखो प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी का नाम आएगा। लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी तो टक्कर दे रही है। केजरीवाल कहीं नजर नहीं आएगा। केजरीवाल 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 ने अभी क्या कहा था जो जहाँ पे यहाँ पर पंजाब पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में सब जैसे दिल्ली में बोला था फ्री फ्री और पंजाब में भी फ्री फ्री किया। और अब केंद्र सरकार से बजट क्यों मांग रही है कि मुझे इतना इतना बजट दो कि मुझे इतना कि मुझे इतना बजट दो कि हम यहाँ की आम जनता को मतलब सुरक्षा पहुंचा सके और जो बोला था वो वादे पूरे कर सके। योगी बाबा का नाम आया तो आप में जोश आ गया। केजरीवाल जी का जैसी नाम आया आपकी आवाज डाउन। केजरीवाल डीटीसी देखो। हाँ। डीटीसी कितने घाटे में जा रही है और फिर भी क्या हो रहा है। हाँ। महिलाओं को तो दे रहे हैं। हाँ। मतलब फ्री सुविधा और जो जेंट्स हैं जेंट्स जो विशेष दर्जा वाले लोग हैं उन्हें तो नहीं दे रही है। उन्हें भी तो मिलना। हम कमा रहे हैं हमें नहीं मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम चार पैसे कमा रहे हैं कमाने लायक हैं। और जो विशेष दर्जा वाले लोग हैं उन्हें तो मिलना चाहिए। और जो महिलाएं जिनके पास प्रॉपर्टी है और 10 रुपए की वजह से रिक्शा नहीं पकड़ती हैं और बोलती हैं कि 10 रुपए बच जाए कि मैं बस से निकलूंगा। ठीक है जी सर आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा था मैम कि केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं मुफ्त में डीटीसी की बसें चला रहे हैं नो डाउट। तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। केजरीवाल जी के पास कहाँ से पैसा आ रहा है कि वो सब मुफ्त में चला रहे। कह रहे हैं कि हम जनता का पैसा लेकर जनता को दे रहे हैं। वो जनता देने वाली जनता कौन सी है। तो सारी जनता को देने वाली बनाइए ना मुफ्त में देने वाला क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा दारू फ्री कर दी दिल्ली में और क्या लेंगे। कोई चीज फ्री नहीं हो पाई। बिजली के बिल पहले फ्री किए थे ठीक है। आज नहीं बिजली के बिल कितने जा रहे हैं कोई बिल जीरो नहीं। कह रहे हैं शराब के ठेके बंद तो करा दिए। अरे तो बंद करा दिया। बंद कराने से क्या हो रहा है मैम। अब बंद कराने से क्या हो रहा है नुकसान तो पूरा होगा। जी जी नहीं नहीं हम अभी लेके आए हैं दो बंदूकें। आपको आपको तो और खुश होना चाहिए कि दारू फ्री है। नहीं मिलेगी तो हमारे पास और ऑप्शन होंगे हम पियेंगे। नहीं ये अन्ना जी के एक अन्ना जी ने प्लेटफॉर्म दिया उसका इसने गलत उपयोग करके इसने अपना मुद्दा बना के सत्ता में आ गया। बाकी कुछ नहीं है प्रोपेगेंडा चला है और उन्होंने जो जो लोकपाल वाली वो कहाँ गए इनके मुद्दे भैया। जब तक मोदी है देश सुरक्षित है देश सम्मानजनक स्थिति में है अखंड भारत है। और ये अभी एक साल बाद एक डेढ़ साल बाद मोदी जी ये जो अपना कश्मीर का टुकड़ा जो छीना गया हमसे वो 2024 के इलेक्शन के पहले भारत के साथ जुड़ेगा। ये मोदी जी करके दिखाएंगे। मोदी जी जब तक जीवित है तब तक देश के प्रधान सेवक बन के रहेंगे। मोदी जी के हम साथ हैं। मोदी 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 क्या नाम है। मोदी जी के साथ है। अरे मोदी जी के साथ तो है। मेरा सवाल तो सुनिए पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए। किशन सिंह राजस्थान से। ये बताइए आए राजस्थान से है कांग्रेस है वहाँ पर लेकिन मोदी जी के समर्थन में है क्यों। बिल्कुल कांग्रेस है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बीजेपी का जनाधार खत्म हो गया। कुछ न कुछ रही होगी बैक गवर्नमेंट की कुछ कमियां रही है स्पेशली मान सकते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि वसुंधरा सरकार की कमियां रही है। लेकिन अब तो वो सरकार चल रही है टूट फूट की सरकार है। अच्छा। मतलब ऐसे है जैसे कोई 100 लंगड़ों की सरकार है। पहलवान तो एक भी नहीं है वहाँ। 100 लंगड़ों की सरकार यही तो मानो ना। कांग्रेस कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है आप कह रहे हैं लंगड़ों की सरकार है। अरे पहले कांग्रेस को जोड़ो ना कांग्रेस को जोड़ो ना वहाँ एक दिन अशोक गहलोत इधर जाते हैं एक दिन सचिन पायलट इधर जाते हैं। पहले कांग्रेस जोड़ो जरूरत कहाँ पड़ रही है बाहर जोड़ने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो धर्म के नाम पर देश बांट दिया हम उनको जोड़ रहे हैं। धर्म के नाम पर देश मोदी सरकार ने बांटा उससे पहले तो सारे ऐसे गले से मिलके रहते थे। मैं तो उससे पहले उनके हिसाब से आप ये सवाल पूछ रहे हैं। देखो ये तो होता रहता है ये तो राजनीतिकरण कर रहे हैं ये तो कुछ नहीं है। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आ रही है 101% बीजेपी की सरकार 101% बीजेपी की सरकार आ रही है। गुजरात में भी आ रही है। अरे आम आदमी पार्टी देखिए ऑटो के पीछे अपना आम आदमी पार्टी सिर्फ बेकूफ बना के सरकार बनाई है अपनी। दिल्ली में भी बस फ्री करवा के बनाई है मैडम बेकूफ सरकार। नहीं मैडम उसने बेकूफ बना के पब्लिक को सरकार आ रही है आम आदमी भी आ रही है। गुजरात से दिल्ली पंजाब से दिल्ली दिल्ली से बाहर
कह रहे हैं कि गुजरात से दिल्ली, पंजाब से दिल्ली, लेकिन कह रहे हैं कि पंजाब को तो करप्शन फ्री बना दिया, गुजरात जीतने जाएंगे। बना दिया ना, करप्शन फ्री बना दिया, लेकिन आतंकवादियों से फूल बना रहे हैं वो। अच्छा, नंबर ऑफ, इतना बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं उनके। आपने आपने देखा है ना, मिलते हैं भगवंत मान जी, उनको पता नहीं चलता मैं कहाँ हूँ। 50 साल की उम्र में बेवड़ा शादी करता है वो, क्या वो करप्शन फ्री कर। थोड़ी तो इज्जत दीजिए, मुख्यमंत्री है पंजाब के लायक व्यक्ति को इज्जत है, मोदी जी को इज्जत। मोदी जी हमारे को चाचा नहीं है, केजरीवाल हमारा दुश्मन नहीं है, भारत का नागरिक है, हम भी भारत के नागरिक है, हमारा पर्सनल किसी से पहचान नहीं है। लेकिन जो सही है, जो देश के लिए जीता है उसके लिए सम्मान है, जो देश को जैसे गुरु वैसे तेले। किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर। मैं बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी तो चुप चुप के पीते हैं, वो शाम में पीते हैं, चुप चुप के पीते दोनों है, पीकर दोनों है, ठीक है। इतनी बड़ी बात बोल रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। समानता बताता हूँ, मैं दोनों में समानता बताता हूँ। ये कहते हैं कौन कौन केजरीवाल जी कि मैं कुछ बंगला वंगला गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं लूंगा, लेकिन सही बात कही उन्होंने, लेकिन प्लान पर्सनल चार्टर उन्होंने ले लिया है। अच्छा, एरोप्लेन में घूमते हैं, लेकिन बंगला और कार। मंत्री है, एरोप्लेन तो होना चाहिए ना, लेकिन वो होना चाहिए। जब भगवत मान, भगवत मेरी बात सुनो, भगवत मान बाहर से आए, पी के आए, कम से कम केजरीवाल को लेके तो आना चाहिए, बेचारे को एरोप्लेन से उतार देते हैं। मैडम केजरीवाल को कह दो गुजरात में सरकार बना के दिखा दे, दिल्ली में उसने बेवकूफ बना के अपनी सरकार बनाई, पंजाब में वो सिर्फ बस का नाम ले लेते हैं, बस का, स्कूल का, ठेका का नाम लेके वो सरकार बना देते हैं, और उसके अंदर दिल्ली में हम नुकसान भुगत रहे हैं केजरीवाल जी का। दिल्ली में नुकसान भुगत रहे, कैसे भुगत रहे मैं बता रहा हूँ, कैसे बताइए। अभी मैं कार लेके आया था, सड़कें, कांग्रेचुलेशन, सड़कें टूटी हुई थी, गाड़ी फट 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 बोल रही थी, मेरी बीबी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा फ्री का खा रही है ना, चुपचाप बैठ जा। ऐसा क्यों कहा आपने? वो फ्री का आनंद ले रही थी, घर पे कह रही है अरे मजा आ गया, पानी फ्री आ रहा है, अब पेट्रोल मेरा जल रहा है, उसको वो पता नहीं है, फ्री का 1000 रुपए का आ रहा है, पेट्रोल 4000 का जल रहा है फ्री का। राजस्थान में नहीं, वसुंधरा से अच्छी तो नहीं, आरएलपी हमारा बेनीवाल नेता, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। हाँ, इससे अच्छा तो केजरीवाल से अच्छा और कांग्रेस से अच्छा। फ्री नहीं होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि गरीबों की बड़ी मदद करी है फ्री। गरीब मैं बता रहा हूँ ना, गरीबों उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने गरीबों की मदद की है फ्री में। कैसे किया? कैसे किया? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री की। अच्छा, और जो एक पीता था उसको दो पीनी शुरू कर दी, अब बेचारों को बंद कर दी, यही मदद उन्होंने की है, ये मदद की है। हाँ, ये भीड़ काफी जन। आपने अभी पूछा था ना कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, तो 70 साल में कांग्रेस भारत को अब जोड़ रही है, यकीनन मानो कि भारत को उन्होंने पहले तोड़ा है। कह रहे हैं कि हमने 70 सालों में तो बहुत कुछ जोड़ रहे हैं, जब मतलब भारत पक्का यकीनन कहीं ना कहीं टूटा है, जब ही तो जोड़ रहे हैं, तो तोड़ा किसने? मतलब जो तोड़ा है वही जोड़ रहे हैं, और क्या है, नहीं तो यात्रा क्यों निकाली भारत जोड़ोगी। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने धर्म के नाम पर देश बांट दिया, वही जोड़ने निकले। मोदी सरकार ने अगर देश को तोड़ा है, वो अगर आप जोड़ने निकले हो, तो बताइए ना, मोदी सरकार ने कहाँ से देश को तोड़ा है? आप जोड़ने कहाँ जा रहे हो वो तो बताओ। आप भारत बीजेपी की सरकार। जी 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 मैडम, हर जगह कर लो बीजेपी की सरकार बननी है। हाँ, बिहार में मैडम बनी गठबंधन की सरकार। हाँ, केजरीवाल बेवकूफ बना के अपनी सरकार बनाती है दिल्ली में भी। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार बेवकूफ वाली सरकार, पब्लिक को बेवकूफ बनाती है, कहता है दारू फ्री है, बस फ्री है भाई, स्कूल फ्री कर देते हैं। अब उसके अंदर टक्कर है तो उसे बोल दो गुजरात में अपनी सरकार बना के दिखा दे, बीजेपी से टक्कर लेके दिखा दे।